साबरमती आश्रम भी जाएं और फिर राजघाट भी जाएं, दोनों आमतौर पर एक स्टेट विजिट में बहुत कम देखने को मिला है। हाँ, ये बात आमतौर पर राजघाट तो जरूर ही जाते हैं। राजघाट की परिपाटी तो रही है, लेकिन साबरमती आश्रम में आप जाएं और उसके बाद फिर राजघाट भी जाएं, क्योंकि समय की जो अभाव है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब वो तो चूंकि मोटेरा स्टेडियम में उन्हें अहमदाबाद जाना था, तो अहमदाबाद जाएं और साबरमती न जाएं, ये तो हो नहीं सकता था। पहले आपने देखा था, पहले शायद साबरमती प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन वो समय की कमी की वजह से, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति हर कीमत पर आगरा पहुंचना ही चाहते थे और वहां जाना ही चाहते, तो शायद ये उनकी प्राथमिकताओं में से एक हो सकता है। एनके सिंह साहब, जिस तरह से हम राष्ट्रपति ट्रंप की इस यात्रा को देख रहे हैं, इससे पहले जब शिंजो आबे आए थे और हमने अहमदाबाद की सड़कों पर पूरी एक रैली देखी थी, लोगों ने कहा कि इससे बहुत फायदा मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके खुद के चुनाव प्रचार में, और एक तरह से एक नई शुरुआत हो सकती है। क्या वाकई में इस तरह की रैलियों का या द्विपक्षीय बातचीत का स्थानीय या लोकल चुनाव पर असर पड़ता है? नहीं नहीं, जैसे कि आप यूँ देखिए कि 4 लाख लोग आ जाएंगे, 40 लाख लोग आ जाएंगे, इससे वो अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को भूल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ये हम लोग को पता नहीं क्यों एक याचक भाव से हमेशा देखते हैं कि राजा आया है तो हम प्रजा धर्म निभाने लगते हैं, ये हमारी आदत में है, ये शायद छोड़ने की जरूरत है। अच्छा, वो आए हैं, बहुत अच्छा ऑप्टिक्स है जी, बहुत अच्छा स्वागत किया गया, लेकिन इससे मुतासिर होके कल वो हमें कुछ लुटा देंगे, अमेरिका का सब कुछ लुटा देंगे, ऐसे थोड़ी हो। $23 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऐसे नहीं बनी है। लेकिन जो सबसे बड़ी इस समय जरूरत है वो दूसरी है, डिफेंस डील में उनके यहाँ कम से कम